अरे सब सुनो मेरी बात यार, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, इसमें कुछ एडवेंचर बचा ही नहीं है। हाँ यार तू सही कह रहा है। यार लाइफ में थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ में जीने का मजा ही नहीं है। हाँ यार ऐसा तू सही कह रहा है, जिंदगी झंड हो गई है, लाइफ में सिर्फ पढ़ने थोड़ी ना आए हैं, लाइफ में कुछ मौज मस्ती भी तो होनी चाहिए ना। सही कह रहा है यार भूपेन, मेरी लाइफ तो टाइम टेबल की तरह बढ़ गया, तुझे क्या बताऊं मैं। अबे तू कहना क्या चाहता है, टाइम टेबल लगा रखा है, सीधा सीधा बता ना। अबे तोतले, मेरे कहने का मतलब है सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस घर जाओ, घर से वापस ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से वापस घर जाओ, बस यही रहेगा जिंदगी में मेरे तोतले। हाँ यार मैं खुद अपने ट्यूशन वाले आंटी से परेशान हूँ, पढ़ाती पढ़ूती है नहीं, काम इतना करवाती है, सारे घर का काम करवाती है, कभी झाड़ू कभी पोछा कभी दूध लाओ कभी सब्जी लाओ, पढ़ाती पढ़ूती कुछ है नहीं। हाँ ये राहुल तू भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी बहुत परेशान आ गया हूँ, क्यों ना हम सभी एक काम करते हैं, आज हम घर ही नहीं जाते। अबे तू पागल हो गए क्या, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यार कहीं भी जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। अरे सुन चल देंगे ना जहाँ ये पूरी क्लास वाले जाएंगे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्या पागल हो रही है, घर वालों को पता चलेगा घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। अरे यार ये सब तो ठीक है लेकिन हम बाहर जाएंगे कहाँ, हमें तो बाहर घूमने के बारे में कुछ पता भी नहीं है, हम कहाँ जाएं। यार आइडिया, क्यों ना हम स्कूल में ही रुक जाए। स्कूल में? अभी तो बोल क्या रहा है। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि हम स्कूल से कहीं जाएंगे ही नहीं, छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुक जाएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, क्या बोलते हो दोस्तों? हेलो मैम। यस सर बोलिए। मैम मुझे आज आपसे कुछ कहना है जो मैं आज तक आपसे कुछ कह नहीं पाया। हाँ सर बोलिए ना, मेरे भी कान तरस रहे सुनने को। कैसे बोलूँ मैम, मुझसे बोला नहीं जा रहा, और तो और मैम मुझे आपको कुछ देना भी है। हाँ दीजिए ना सर, मना किसने किया है? ये प्यारा फूला थैंक यू सर, आप कपड़े छोटे हो रहे हो। वो तो मैं हूँ ही। चलो सर मैं चलती हूँ, मुझे हिस्ट्री की क्लास है। मैं भी आता हूँ मैम। शाम 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 सारे बच्चे चुप हो जाओ, चलो सारे अपने बुक्स निकाल लो, आज हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारे साथ सर भी पढ़ेंगे। क्यों सर? अबे यार ये मैडम क्या बाकी जा रही है, आज तो हम हिस्ट्री की बुक नहीं लेंगे, आज तो पीरियड भी नहीं है हिस्ट्री का, अब हम क्या पढ़ेंगे? अरे मैम आज तो हम हिस्ट्री की बुक ही नहीं लेके आए, आज पीरियड ही नहीं है हिस्ट्री का। कोई बात नहीं, अगर आप बुक्स नहीं लेके आए तो आज हम स्कूल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे तैयार है? क्यों नरेंद्र सर जी तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, आप शुरू कीजिए। बच्चों आपको मालूम है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो किसी टाइम पे कब्रिस्तान हुआ करता था? क्या 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 बोल रही है मैम आप? कब्रिस्तान। क्या मैम आप सच बोल रहे हो? हाँ आज भी यहाँ किसी के चलने की और बोलने की आवाजें आती हैं। और तो और यहाँ कोई 6 बजे के बाद में दिख जाता है तो वो अगले दिन नहीं दिखता। मैम इसने तो मुंह दिया क्लास में। अरे बच्चों चिल रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। नरेंद्र जी सर देखो ना, बच्चे तो डर गए सारे। आप भी तो नहीं डर गए थे नरेंद्र जी सर? अरे नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए। हाँ चल गई। मैम रुकिए तो। हाँ
हाँ सर बोलिए, अभी भी कुछ बाकी रह गया देने को। मैम वो क्लासरूम में जो बच्चों को आप बता रही थी, क्या वो बात सच है क्या? अरे सर आप भी डर गए? नहीं नहीं मैं डरा कहाँ हूँ मैम। अरे सर आपको आजमाना है तो एक रात रुक के देख लीजिए क्लासरूम में। तो गाइस सुनो, स्कूल की हो चुकी है छुट्टी अब और सभी बच्चे जा चुके हैं अपने अपने घर। अब हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे छुप छुप कर पूरे स्कूल में फैल जाना चाहिए और फिर हम क्या करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। नाच भी लिया और क्लास में मस्ती भी कर ली, अब करें तो क्या करें? मैं बोल रहा हूँ हमारे स्कूल में हॉल है ना, वहाँ चलते हैं। सारे दोस्तों को भी बोलते हैं, सबको वहीं लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ यार चलो 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 चल चल चलते हैं। यार तुझे नहीं लगता इन लड़कों ने हमें फंसा दिया? तो चिल मारना यार, चल एंजॉय कर, चल छोड़ इनको। अरे गाइस इधर आओ सब, सुनो 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 यार, हम सब ने ना इधर बहुत मस्ती कर ली, अब हम सब हॉल में चलते हैं, जाते हैं मस्ती, क्या बोलते हो? बहुत अच्छा भाई, चलो 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 चलो। आजा सारे हॉल में बैठ जाओ। अरे वो सब तो ठीक है, तुमने देखा आते हुए उस टाइम क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? लाइट चालू बंद चालू बंद चालू बंद। अरे भाई पागल है क्या, ड्रामा था यार। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं तो सबको बोल ही रही थी यहाँ पर कुछ लोचा है, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। ओए तू चुप कर ना यार, क्या फालतू बकवास कर रही है, तू एंजॉय कर। मैं बता रहा हूँ सबको, यहाँ पे भूत है भूत है भूत है। अरे चुप कर यार, जब देख भूत है भूत है भूत है, सारे चुपचाप रहो, डरा मत कोई। अरे यार ये सब छोड़ो, अभी सब थक चुके हैं, थोड़ा सो लेते हैं, 6 बजे आराम से घर निकलेंगे।
अबे उठ उठ भूत 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 उधर देख भूत कहाँ है भूत कहाँ है भूत कहाँ है कहाँ है अरे यार तूने सपना देखा हुआ यार हाँ यार शायद सपना ही था चलो यार सो जाओ फिर हो जाए मुझे मम्मी के साथ जाना है मुझे मम्मी की याद आ रही है मत चुप हो जा यार एक तो यहाँ सबकी फटी पड़ी है तुम्हें मम्मी के पास जाना है मम्मी की याद आ रही है और अंधे यार फटती है तभी मम्मी की याद आती है कोई बात नहीं अबे यार लगता है वोल्टेज की प्रॉब्लम है टॉर्च ढूंढो और हम सभी जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है तुम और तुम मेरे साथ चलो तुम दोनों अलग जाओ ठीक है ना अबे तोतले पागल है क्या कर रहा है यार हम पहले डरे हुए इतने उतर को यहाँ पे मस्ती सूझ रही है चले यहाँ से टॉर्च ढूंढने दे हमें और तू भी ढूंढ अबे यार यहाँ टॉर्च कहाँ पे मिलेगी यार स्टाफ रूम होगी वहां जाके देखते हैं चल चल चेक करते हैं यार एक तोतला होगा अरे तोतले चल नीचे चल अबे यार टॉर्च तो मिली नहीं यार क्या करें यार टॉर्च लेके आना चाहिए था यार क्या करने गए थे यार तुम इतने टाइम से गए हो बताओ तुम्हें टॉर्च लेके आना चाहिए था अबे यार तुम सब डरो मत यार ये तो अपना तोतला है अले अल तौल तो मिली नहीं मोमबत्ती मिली है मोमबत्ती ते काम तलाओ अले यार क्या देख ले हो शांत एकदम तुम सब लोगों ने स्कूल का बुरा हाल मना रखा है बंक मारने के लिए रुके थे ना यहाँ आ गया मजा अरे यार ये सब तो ठीक है पर ये देखो ये तो हमारी हिस्ट्री की टीचर है जो हमारे को सुबह स्कूल की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि यहाँ पे स्कूल से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था देखो हाँ मैं हूँ तुम्हारी हिस्ट्री की टीचर पहचान गए क्या मैडम आप तो हमें सुबह स्कूल में पढ़ा रही थी अब भूत कब से बन गई इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है खबरें तो उर्दू में हाँ मैडम हम तो फ्री हैं सुबह तक आराम से बता दो चलो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था खबरें तो उर्दू में मेरा बहुत मन था रील स्टार बनने का और मुझे जहाँ जगह मिलती मैं वहीं अपनी रील्स बनाना स्टार्ट कर देती एक दिन मैं छत पर खड़े होकर अपनी रील्स बना रही थी मैं बहुत खुश थी अचानक पता नहीं कहाँ से एक पत्थर मेरे पाँव के नीचे आ गया और मैं अचानक छत से गिर गई और मेरी मौत हो गई बस तब से मेरी आत्मा इस स्कूल में भटकती है और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मुझे एक रील स्टार बनना है पर जब तक मैं रील स्टार नहीं बन पाऊँगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी
तो ये हुआ था मेरे साथ। मैं सुबह बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ और रात को रील्स बनाने के लिए शिकार ढूंढती हूँ, और आज मेरे को इतने सारे शिकार मिल गए। खोपड़ी तोड़ दूंगी। मैम ये आप बार बार बोल क्या रहे हो, खोपड़ी तोड़ दूंगी, इसका राज क्या है? अच्छा ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ इस खोपड़ी में है। हाँ पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा तो ठीक है, चलो मेरी मदद करो रील्स बनाने में, खोपड़ी तोड़ दूंगी। हाँ हाँ हम बनाएंगे आपकी रील। हाँ हाँ मैं आपके लिए रिंग लाइट लेकर आऊंगा। हाँ मैं आपके लिए फोन लाऊंगा और मैं आपकी खोपड़ी की रक्षा करूंगा। ये लो मैं आपके लिए फोन लाया। लाओ मुझे अपनी खोपड़ी दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। पागल हो गया कि मेरी जिम्मेदारी है? अरे यार कलम सब मरते मरते बचे ना। लेकिन सही बोल रहा है यार, मुझे क्या पता था हमारी मैडम चुड़ैल निकलेंगी, वो सब तेरे चक्कर में हुआ है। मुझे भी क्या पता था कि हमारी क्लास की मैडम चुड़ैल है, मैं भी इन बॉयजों के चक्कर में आ गई थी। अरे यार चलो छोड़ो ये बातें, कम से कम उस मैडम चुड़ैल से छुटकारा तो मिला ना। हाँ यार सही बोल रहा है, लेकिन कुछ भी बोलो उसकी खोपड़ी तोड़ने में ना बड़ा मजा आया। एक से ही तो प्यार किया था, वो भी चुड़ैल निकली। अरे यार ये तो दीपक है ना। हाँ। अरे ओ दीपक इधर आना, हमारे साथ बैठना। ए तू बुला ना दीपक को। खोपड़ी तोड़ दूंगा। Hey everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सेलिब्रिटी फेस के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।